हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। बहुत कॉमन सी चीज़ लोग ये मानते हैं, और जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और आपसे सवाल किया जाता है कि बाबू तुम कौन से सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ रहे हो, तो आप कहते हैं कि मैं फिज़िक्स से पढ़ता हूँ, मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ, मैं साइंस पढ़ता हूँ। तो पड़ाक से क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया जाता है, अच्छा बताइए तो ये क्या है, ये क्या है। उसी तरह पूछेगा, अच्छा बताओ तो कि टेम्परेचर जब गर्मी में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तार में, या फिर जाड़े में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। आप कन्फ्यूज़ हो, माई गॉड फिज़िक्स तो पढ़ते हैं हम, ये तो सवाल ये कर रहा है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए आज हम लोग इस मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं कि ठंड में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी या गर्मी में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। वी गोना डिस्कस दिस। ओके, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स वाले, ओके, तो हम लोग इक्वेशन के ऊपर, हम लोग इक्वेशन को अपना ढाल बनाते हैं, क्योंकि इक्वेशन ही वो चीज़ होती है जो हर जगह सूट करता है और आपको फेवरेबल रिजल्ट, मतलब कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो देता है और हर जगह एक्यूरेट देगा। तो अगर हम अपने प्रीवियस वीडियोस में रिकॉल करें कि हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें एक चीज़ ये थी, ये था कि हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद और अगर हम इसको डिटेल में, हम लोगों ने एक और फॉर्मूला लिखा था, आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, ये भी हम लोगों ने लिखा था। एल अपॉन ए को अगर हम साइड कर दें, एल अपॉन ए से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर m ये क्या है, मास कांस्टेंट, n नंबर कांस्टेंट, e इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कांस्टेंट, बच रहा है कौन, टाउ। तो यहां पर आप देखें कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टाउ का। तो यहां हम लिख सकते हैं r इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट वी हैव क्या है हमारे पास, तो वी हैव R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ठीक है, और R प्रोपोर्शनल 1/टाउ, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब थोड़ा सा समझना है आपको कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है R प्रोपोर्शनल 1/टाउ, टाउ क्या है, तो रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टाउ को हम लोग लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब समझिए इसे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों ने ये समझा था कि जब हम रिलैक्सेशन टाइम, जब आप पोटेंशियल देते हैं किसी कंडक्टर में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उठते हैं और भागना शुरू करते हैं, और भागने के दौरान में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कंडक्टर के अंदर चार्जेस, चार्ज पार्टिकल का, कि वो सब एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर का साइज है, यहाँ से पोटेंशियल शुरू हुआ, यहाँ से अभी एक्सेलरेट कर ही रहा था कि आगे जाकर एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, उसका सारा स्पीड ठप हो जाता है, जीरो, फिर वहाँ से वो नई शुरुआत करता है और फिर जाकर आगे टकरा जाता है। तो इस तरह से वो ड्रिफ्ट करते हुए पहुँचता है, जो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंडरस्टैंड समझा था, है ना, अंडरस्टैंड किया था। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब ये उठ रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन दी सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। तो होता ये है कि अब देखें आप कि मैंने ये कहा था कि कंडक्टर के पास दो वेलोसिटीज होती है, एक जो मैंने पोटेंशियल के मदद से दिया, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मदद से दिया, दूसरा क्या है, जो उसके अंदर पहले से होता है रैंडम मोशन, जिसकी वजह से नेट चार्ज, नेट फ्लो जो होता है वो जीरो होता है। तो दो चार्जेस, दो वेलोसिटीज उसके पास पहले से, एक पोटेंशियल वाला, दूसरा जो उनके पास अपना खुद का होता है रैंडम मोशन वाला। तो यहाँ पर पोटेंशियल वाले को भूल जाइए, रैंडम मोशन वाले पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी देंगे, तो गर्मी देने से होता ये है कि वो इंक्रीज करने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी देंगे तो उसके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगा, हीट एनर्जी आ जाएगा, सारे चार्जेस के पास हीट एनर्जी आ गया। अब जब हीट एनर्जी आ जाता है तो वो भागना शुरू करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं, जब आप पानी बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं घर पर, तो पहले पानी नॉर्मल रहता है, जो कंटेनर है उसके अंदर नॉर्मल रहता है, फिर जब आप हीट देना शुरू करते हैं तो वो बुलबुले छोड़ने लगता है। तो बुलबुले छोड़ना इस बात का सबूत है कि उसके हर एक पार्टिकल के पास इतना एनर्जी है कि वो जंप कर रहा है। लेकिन
ठीक है जंप कर रहा, तो एनर्जी का देखिए कि तकाजा क्या है, मतलब एनर्जी का लेवल क्या है कि वो इतना हाई लेवल जंप कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह कंडक्टर में भी जब गर्मी बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है आसपास के एनवायरनमेंट की, तो होता यह है कि उसके पास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो, उसके पास थर्मल एनर्जी बढ़ जाता है, उसके मोशन में इस मोशन उसका फास्ट हो जाता है। अब जो फास्ट मोशन होगा तो जो टकराव का टाइमिंग है वो कम होगा या ज्यादा होगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और सोच कर बताइए कि जब टकराव जो है, टकराव का टाइमिंग, अगर हम किसी को एनर्जी ज्यादा दे दें तो वो थोड़ा फास्ट मूव करेगा, और जब फास्ट मूव करेगा तो जो टकराव का टाइमिंग है वो, अगर मान लेते हैं कि 3 सेकंड में एक टकराव होता था, यहां से उठा यहां गया, टकराव एक टकराव से दूसरे टकराव के बीच में 3 सेकंड, अब मैंने हीट एनर्जी दे दिया उसे, हीट एनर्जी देने के बाद उसके टकराव का स्पीड मतलब फास्ट मोशन कर रहा है, तो वो अब यहां से यहां एकदम ऐसे चला जाएगा, कितना देर लिया, कितना वक्त लगा उसे जाने में, 1 सेकंड। तो एनर्जी देने से क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम उसका कम हो जा रहा है ना। थोड़ा विजुलाइज कीजिए कि एनर्जी मैंने उसे दिया, ठीक है, और देने के बाद हो ये रहा है कि वो जब एक टकराव से दूसरे टकराव तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली में उसका टाइमिंग क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, वो उठेगा भागेगा, उठेगा भागेगा। तो यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब कि टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टाइम अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम, जो आसपास जितने भी कंडक्टर हैं वो गर्म हो जाएंगे एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से, एनवायरनमेंट की गर्मी की वजह से वो कंडक्टर गर्म हो गए। गर्म होने के बाद क्या होगा, उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनको थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा मूव करना शुरू, और जब वो मूव करना शुरू कर देंगे स्पीड में तो उनका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस विल बी हाई और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये है, तो जो अंकल आपसे सवाल किए थे कि बेटे बताओ आप गर्मी में ज़्यादा रेजिस्टेंस या ठंडे में, तो आप एकदम कहें कि गर्मी में ज़्यादा होगा और ठंड में कम होगा। क्यों कम होगा, आइए उनको समझाइए, ये वीडियो दिखा दीजिए उनको, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनको, ठीक है। देखिए, तो आर प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/टाउ, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इसे यहाँ लिख दें कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी हाई, रेजिस्टेंस विल बी हाई, ठीक है। क्यों हाई होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, मतलब टाउ विल बी लेस एंड वाइस वर्सा, बात समझ में आ रहा है, इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी लो, टाउ विल बी मैक्सिमम। ठंड के मौसम में उतना तो होता ही नहीं है, टेम्परेचर बाहर का देखते ही आप कितना होता है, 17 डिग्री 15 डिग्री इतना डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसमें उसको थर्मल एनर्जी नहीं मिल पाता है चार्ज पार्टिकल को, तो वो उतना एक्सेलरेट और उतना मोशन उसका फास्ट नहीं होता है। डैट इज वाई टेम्परेचर जो जो रेजिस्टेंस होता है ठंड के दिनों में कम हो जाता है, बात समझ में आया। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में रेजिस्टेंस ज्यादा और ठंड के दिनों में रेजिस्टेंस कम, क्यों होगा, आपके पास कंसेप्ट है। मतलब अभी तो हम लोगों ने ये समझा है कि रेजिस्टेंस वाकई में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अब हम लोग उसके कोफिशियंट को समझेंगे कि टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का कोफिशियंट है रेजिस्टेंस के लिए वो क्या है। देखिए, इसे डिफाइन पहले कर लेते हैं। डिफिनेशन ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ विच रेजिस्टेंस चेंजेस पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा हर एक डिग्री सेंटीग्रेड पे, डैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब मैंने एक डिग्री चेंज किया टेम्परेचर, 30 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने 31 कर दिया, 31 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने 31 कर दिया, एक डिग्री का डिफरेंस आया, एक डिग्री मैंने इंक्रीज करा, तो जो कंडक्टर है मेरे पास उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, यही हम लोग, या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या है, तो अल्फा,
ठीक है, कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर डिपेंड अपॉन, या एक चीज देख लेते हैं ठीक है, इससे पहले रेजिस्टेंस आर एट 0 degree Celsius, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक है, रेजिस्टेंस एट 0 degree temperature, 0 degree temperature पर रेजिस्टेंस कितना है तो आर नॉट, रेजिस्टेंस आर एट टी डिग्री टेम्परेचर पर कितना है आर टी, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस आर हो जाएगा फाइनल आर, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो चेंज का सिंबल हम लोग लेते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू फाइनल आर, फाइनल आर कहने का मतलब टी डिग्री पर, तो आर टी माइनस आर नॉट, तो ये एक रिजल्ट निकल कर आ गया कि रेजिस्टेंस में जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, ठीक है, वो एक्चुअली में कैसे निकालेंगे, तो फाइनल टी डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उसमें से माइनस कर देंगे 0 degree इनिशियल रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब एक चीज यहां देखिए, जो चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो पहला इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज है कि ये फाइनल रेजिस्टेंस पर भी, ये सॉरी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये किस पर डिपेंड करेगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब कि डेल्टा आर किस पर डिपेंड करेगा, तो डेल्टा टी पर डिपेंड करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा, ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल इस पर भी डिपेंड करता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो एक डिग्री बढ़ाने पर जितना रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा उसी को हम लोग टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका सिंबल होता है अल्फा, ठीक है। और कुछ डेरिवेशन कर रहे हैं इसके फॉर्मूला के लिए क्या है, तो आर 0 degree temperature पर आर नॉट हो गया, रेजिस्टेंस टी डिग्री टेम्परेचर पर आर टी हो गया, चेंज कितना होगा, तो आर टी माइनस आर नॉट। ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले चेंज इन इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नॉट, इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वन केस है और दूसरा केस है, इसे अगर हम वन और इसे मान ले टू, तो कंबाइनिंग वन और टू को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल्टा टी, ये मिलेगा। अब देखिए डेल्टा आर या डेल्टा आर प्रोपोर्शनल, जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू दिए तो यहां पर कांस्टेंट आया क्या चीज, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब देखिए अगर हम अल्फा निकालने का कोशिश करें तो ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पर प्रॉपर अगर हम डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे तो क्या आएगा, आर टी माइनस, ठीक है, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, और डेल्टा टी को भी अगर हम कहें तो फाइनल टेम्परेचर या सीधे डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया किसके लिए, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो ये अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, उसके बाद आर नॉट हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी हो गया राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए तो यहां पर अल्फा को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर हम टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि अल्फा है, इसे डिफाइन कर सकते हैं
एक ये डिफिनेशन है, दूसरा इस फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अल्फा है हमारा, ठीक है। तो अल्फा क्या है बात समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला क्या है बात समझ में आ गया। अब एक चीज थोड़ा समझना है यहां पर, देखिए ये जो अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा निकल कर आ गया, ये जो रिजल्ट था इस रिजल्ट को मैंने यहां नोट कर लिया। अब अल्फा को मैंने डिफाइन कर लिया था, अब अल्फा एक चीज समझना अल्फा के लिए, देखिए यहां जो टेम्परेचर पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर उसका कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस होगा और फिर राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो एक चीज देखें कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला, रिलेशन क्या था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो होगा ये कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल तो ऑलरेडी है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा ये कि उनका अल्फा भी, जो अल्फा का जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, किसके लिए, अल्फा इज पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, मेटल के लिए अल्फा का जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या कहता है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कहता है, द अमाउंट बाय विच रेजिस्टेंस चेंजेस पर यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस में चेंज आता जाएगा और पॉजिटिवली आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएंगे इसका ये वाला वैल्यू और बढ़ता चला जाएगा, और जब वो और बढ़ता चला जाएगा तो होगा ये कि ये जब बढ़ेगा तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ पर इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, इनिशियल रेजिस्टेंस है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आर टी माइनस आर नॉट कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि उस कंडीशन में वो जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं उनके पास तो फ्री चार्जेस होते नहीं, तो जब फ्री चार्जेस उनके पास हैं नहीं तो वो कोलिजन होगा कहाँ से। तो उनके पास जो फ्री चार्जेस नहीं है तो जब होगा ये कि जब आप वो बढ़ाने का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अपने फ्री चार्जेस जो कि नहीं है उनको फ्री करने का काम करेगा, वो चार्जेस बाउंड है एटम के अंदर। तो एनर्जी जब देंगे तो वो चार्ज पार्टिकल वो एनर्जी लेगा और अपने एटम से निकल कर फ्री होने का कोशिश करेगा। तो मेटल में होता ये कि ऑलरेडी फ्री है, उसको एनर्जी मिला, वो फास्टली मूव करने लगा। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या है कि वो फ्री नहीं है, आप एनर्जी दे रहे हैं तो वो फ्री होगा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फ्री होना शुरू हो जाएगा, तो उसके पास कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में रेजिस्टेंस इनिशियल जो है वो तो कम है, वो जितना भी हो, लेकिन आरटी उसका राइज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास फ्री चार्जेस नहीं है, वो सब फ्री हो रहे हैं। तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि आरटी लेस देन हो जाएगा किसके, आर नॉट के, और जब आर टी में से आर नॉट घटेगा तो ये निगेटिव आएगा। इस वजह से अल्फा इज निगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर और अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, मेटल के लिए पॉजिटिव होगा अल्फा और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम किया है इसे हम लोग रेजिस्टिविटी के बेसिस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना है। इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा हम बदलाव कर देंगे, क्या बदलाव करेंगे, देखिए अल्फा ही रहने देंगे लेकिन ये जो आर है रेजिस्टेंस का सिंबल इसे चेंज कर देंगे रो में, तो रो फाइनल माइनस रो नॉट इनिशियल अपॉन रो रो नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो अब यहां पर ये हमने इस सेम फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस था उसको रेजिस्टिविटी कर दिया और फॉर्मूला वही है, बस आर को रिप्लेस कर दिया किससे, आर माइनस आर नॉट, ठीक है।
तो अब देखिए कि जो हम टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी जो होता है वो तो प्रीलोडेड प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा ये कि हो सकता है बहुत सारे चार्ज को फ्री करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर जो कोलिजन है वो बढ़ जाता है, तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत इंक्रीज कर जाएगी। तो उस केस में इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा वो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो थोड़ा चेंज आएगा। तो हम लोग लिखेंगे रो माइनस रो नॉट को लिखेंगे चेंज इन रेजिस्टिविटी बाई रो नॉट इन टू वन बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो भी स्मॉल हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फाइनली हम अल्फा को लिख सकते हैं डी रो बाई रो नॉट इंटू वन अपॉन डी टी। तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है और टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। जो मल्टीमीटर का वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको दिखाया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो मैं फिर से वो रेजिस्टेंस भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं कि वो कितना वैल्यू है उसके रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कोई भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं चैप्टर 3 का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएँ और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर और सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।